चन्ना वैली गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए मैंने वेस्ट कोट उतार दी। ओहो बहुत गर्मी। जितने बच्चे हमें देख रहे हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे अच्छे अच्छे उन सबको हमारी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों शाबाश शाबाश। हमारा दोस्त कहाँ है आज? सब पिंजरे में बंद है भाई। इसको निकालो यार, कहाँ है कहाँ है? नहीं पिंजरे में तो नहीं, नहीं। ये रहा। हाँ याद है इसको निकालना ना जरा, यहाँ से ले जाओ फिर निकाल के दे दो हमें। हाँ दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई। अच्छा बच्चा है यार, मैं सोच रहा हूँ इसको घर ले जाने पे गौर कर रहा हूँ मैं, इतनी दोस्ती हो गई। असीम भाई आप अपने हाथ पर पकड़े रहे, क्या करूँ? ओ आप है ना अपने दोस्त को हाथ पर ही रख, कल पकड़ा ना हाथ में, आज है ना ब्रेक तक पकड़े रहे। इतना नहीं पकड़े भाई, देखते हैं क्या हाल है। पहला सब तबीयत ठीक ठाक? बिल्कुल सही है। क्या है नई ताजी? कुछ नहीं अभी तक तो। रोजे कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं। अभी ईद लाहौर में होनी है? हाँ जी होपफुली शायद यहाँ आ जाओ। आपकी ख्वाहिश क्या है, ईद कराची में हो लाहौर में हो? कराची। हाँ और अब्बा की ख्वाहिश? उनकी मुझे ख्वाहिश नहीं पता, अभी उनसे पूछना पड़ेगा। उनकी जो जो ख्वाहिशात आप पूछना चाहते हैं मुझसे पूछें, मुझे सब ख्वाहिशात पता है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये ठीक है भाई। सो जी भाई, अरे ये बच्ची कौन है, जरा माइक दीजिएगा। वो क्या है जी? माइक चाहिए मुझे। आपको घर लेके जाना है? नहीं मैं, ये माइक आपका है, मैं आपको दूंगा, आप घर ले आना इसको ठीक है। लेकिन माइक जमीन पे नहीं रखना, वरना क्या होता है माइक खराब हो जाता है। हाँ खराब हो जाता है। अरे आज तो हमारे साथ हाफिज साद साहब भी आए हुए, हमारे पुराने तो डॉक्टर साहब। हाफिज साद साहब को वेलकम किया है आपने? जी की है। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जी जी हमें कुछ सुनाएंगे ना, मैं आपसे बताऊंगा फिर कुछ सुनाइएगा हमें ठीक। क्या चलो भाई क्या बैठ जाता हूँ। आजाद होते ही अपनी पुरानी जगह पे वापस। देखो मैंने आपको निकलवाया है, कुछ ऐसा नहीं करना कि हमारी दोबारा लड़ाई हो जाए, सही है ना? हाँ अब हमारी दोस्ती हो गई है, मुझे पता है आपको भी सेगमेंट में मजा आता है, आप भी सेगमेंट में एंजॉय करते हैं तो ठीक है, बिल्कुल तंग नहीं करना, गुड बॉय। बस सही है, ये बॉय है पता नहीं, ये गुड बॉय तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं ये गाला काकाटू है। हाँ क्या क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है जी। क्या नहीं ताजी? कुछ नहीं ऐसे फैलाज के साथ कभी कभी लड़ाई। फैलाज के साथ भाई जरा सारे बच्चे को एक तस्वीर आ रही है, जिसको पता हो ना हाथ उठाना है कि ये कौन से एनिमल की तस्वीर है। एक ब्ल, ब्ल, ये कौन सा एनिमल है, कौन सा है? लैपिट। रैबिट? लैपिट। लैपर्ड? लॉयन। लॉयन। लेपर्ड। जैगुअर। 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 टाइगर। टाइगर। जैपाटर। ये है, जरा पूरी तस्वीर दिखाएं 3-2-1 करके, ये कौन सा जानवर है? चीता। मैं ठीक है मतलब बस, हाँ मैं समझने में जो भी हैं आवाज तो निकाला, इसके मजे आ गए। रोजाना हम जानवर दिखाएं फिर उनको आवाजें भी बताएं, मुझे आती है आवाज निकालना। आप कहें 3-2-1 आवाज। अरे एक मिनट कंट्रोल रूम में सेट भी कर रहा होता है आवाज तो ऐसे, एक मिनट मैं बताऊं। हां आज बोलती खुल गई है, आज बोलती खुल गई। क्या हुआ? नहीं है। आपने कहा आवाज निकालो, निकाल तो ली आवाज। फिर से? फिर से, फिर से। थोड़ी सी शॉर्ट कर लो यार। अच्छा हाँ नहीं, 1-2-3 नहीं, 3-2-1। 3-2-1 अच्छी आवाज है। कैसा? अच्छी आवाज है। फिर से? भाई हम क्या यही काम करते हैं, और कोई काम ना करें? कैसी आवाज निकाल रहे हो? मैं अच्छी अच्छी निकालो ना, 10 rupees दो, 10 rupees की आवाज आवाज निकाल दो। लास्ट टाइम, लास्ट टाइम फिर आप 3-2-1 कैसी आवाज निकाली? अच्छी है। तालियां तो बजाओ ना फिर मेरे लिए, है ना? ये आवाज शेब भाई निकाल रहे हैं तो है। हाँ भाई अब आप निकाल के बताएं, मैंने इतनी अच्छी आवाज निकाली आप कैसी आवाज निकाल?
क्या चीते की आवाज कैसी होती है? ओके, आपको पता है चीता इतना तेज भाग सकता है पहलाज साहब, यानी आप समझ ले मानो द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। चीता जो है ना वो ये देखिए वीडियो में देखें कितना तेज भाग रहा है। बोलो अबे स्लो मोशन हटाओ भाईजान, तेज दिखाएं। जैसे ही मैंने बताया तेज भाग रहा है, स्लो मोशन इन हो गया। इतना तेज भागता है 100 किलोमीटर पर आवर तक भी भाग सकता है, यानी कि जो हमारी गाड़ी है ना, गाड़ी जितना तेज भाग सकता है चीता। ये देखिए ओहो अब स्लो हो गया ये। हाँ वाह, क्या रैबिट को हटाना? क्यों? मुझे डर लगता है उनसे। तो आप तो बहुत 100 किलोमीटर दूर है आप तो उससे, फिर भी डर लग रहा है? हाँ। भैया देखिए, वाह वाह वाह, यहाँ रख दे भाई रैबिट को, क्या बात है भाई। हैं? ये रैबिट आपका दोस्त हो गया? हाँ जी। इसका नाम वाम है कोई? रैबिट। इसका नाम रैबिट है, और उसका नाम क्या है? उसका सारो का रैबिट है। सारो का ही नाम रैबिट है? अच्छा ओके, और इसका नाम क्या है? तो पता, मुझे नहीं पता। उसको पता है, किसको पता है? इसका नाम क्या है? हाँ। गाला का पता है? गाला काकाटू खरगोश। ये खरगोश है? नहीं नहीं, गाला काकाटू है। ये रैबिट है? सारा दिन आपको सिखाते हैं, मेरे ये करते हैं। तोता। अब आपका टेस्ट जो आपको पिछले साल सिखाया था, कोई हेल्प नहीं करेगा? नो नो नो, 4 रन्स किस तरह होते हैं? गलत बता। 6 रन्स किस तरह होते हैं? होते ही नहीं है। आउट किस तरह होता है? सारी मेहनत का हो गया बेड़ा का। दो आउट होते हैं। कौन कौन से? जो खेलते भी नहीं है। जो खेलते भी नहीं है वो आउट हो जाते हैं। ओके ओके, आ जाए बैठे अपनी जगह पे बैठे, ताकि हम जरा कुछ गपशप लगाएं। मैं जरा नीचे बैठ रहा हूँ, बिकॉज मैं जरा ज्यादा, डॉक्टर साहब आप भी चाहें तो थोड़ा नीचे बैठ जाएं। अच्छा भाई कर लेंगे, आप फरमाइशें बताते जाएं, हम पूरी करते जाएंगे, इसमें समस्या क्या है भाई? तो ये बताएं जी, आज का कोई लेसन बताएं, क्या ख्याल है? हम जब खाना खाते हैं, जरा एक चीज याद कर ले, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने का सबसे बेसिक आदाब क्या है? हाँ भाई, हमें हाथ धोने चाहिए। क्या? फेस माइक नीचे रख ना, इस सेगमेंट में माइक नीचे रख सकते हैं ना, इस सेगमेंट में सॉक्स पहन सकते हैं ना, इस सेगमेंट में हाँ बोल सकते हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं? या अभी सही, ये सही है अब? ठीक, अब तो कोई एतराज नहीं आपको? हाँ शुक्रिया, बहुत नवाज है, माइक नीचे रख दिया। अच्छा ठीक है, खाना खाने, सवाल ये बताएं, पहला सब इसका जवाब आप देंगे, जरा बच्चों को बताएं भाई, खाना खाने के आदाब में क्या है? खाना खाने से पहले, जिसको पता हो वो हाथ खड़ा करें, खाना खाने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कह रही हाथ धोने चाहिए, और भाई हाथ तो धोने चाहिए, पढ़ना क्या चाहिए पहला साहब? जरा खाने की दुआ। हाँ, खाना खाने की दुआ, और जाहिर उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर किसी बच्चे की हैबिट नहीं है ना, तो अभी हैबिट बना लें। एक होता है रैबिट, एक होती है हैबिट, है ना भाई? रैबिट यानी खरगोश, हैबिट यानी आदत, कि जब भी हम कोई भी काम शुरू करेंगे या खाना खा रहे होंगे तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज नहीं आई मुझे, जरा जोर से बताएं, इसका मतलब क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? उमर साहब बताए आपको? ईशा बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम बरामी। चल जी, मैं आपको कुछ सुनाऊंगी। चल, ईशा बाजी की अलग ही एक दुनिया चल रही होती है, वो वहीं पे रहती हैं, वहीं से उठती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब बताओ। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। वेरी गुड, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे। अब याद करके आना ईशा बाजी है, इनको भी आता है यार, जरा पहला चेक करें। हाँ भाई शुरू अल्लाह के नाम से जो नायक मेहमान और रहम करने वाला है। वाह 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 वाह, पोयम तो सिखाओ मुझे, रोजाना मुझे उमर एक पोयम सिखा रहा है। पोयम सिखाओ, पोयम कौन सी पोयम सिखाओगे? आओ बच्चों, आओ बच्चों स्केल सिखाओ, आओ बच्चों केल सिखाओ, तुम सबकी एक रे बनाओ। एक मिनट, आप परफॉर्मेंस देंगे लाइव जी? उमर भाई पढ़ेंगे,
ये परफॉर्मेंस देंगे बराह रास्त और ये आप फ्री में देख सकते हैं और मैं याद कर रहा हूँ परफॉर्मेंस बच्चों खेल सिखाओ तुम सबकी एक रेल बनाओ चुक 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 करते जाना बढ़ते जाना चलते जाना बढ़ते जाना खेल में रेल बनेगी तुम सबकी एक रेल बनेगी आओ बच्चों खेल सिखाओ तुम सबकी एक रेल बनाओ। वाह मैं भी परफॉर्मेंस दूंगा मैं भी माइक पकड़ो पढ़ो मैं और डॉक्टर साहब मैं आपको फॉलो करूंगा परफॉर्मेंस। हाँ भाई अब परफॉर्मेंस देखिए हमारे आ जाए भाई। हाँ क्या अब हमारा हमारा आर्टिस्ट ही ढीला है। हाँ आओ बच्चों खेल सिखाओ। अरे आप बेटा परफॉर्मेंस के लिए हम है ना आप सिर्फ पढ़े। हाँ आओ बच्चों खेल सिखाओ तुम सबकी एक रेल बनाओ चुक 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 करते जाना बढ़ते जाना जाना खेल में रेल बनेगी तुम सबकी एक रेल बनेगी आओ बच्चों खेल सिखाओ तुम सबकी एक रेल बना। वाह 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 अच्छे भाई कैसा मैंने परफॉर्म किया। अच्छा अच्छा या बहुत अच्छा। अभी अकेले परफॉर्मेंस करे ना। अच्छा या बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा या बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा या बहुत ही अच्छा। अच्छा 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 या सबसे अच्छा। सबसे अच्छा। हाँ अब ठीक है तालियां बजाना मेरे। इजी इजी जज्बाती नहीं होते मतलब ठीक एक बात कर रहा हूँ मैं एक मशवरा है कि जज्बाती ना हो तो अच्छी बात है एक मशवरा है बाकी हो भी सकते हैं आपकी जिंदगी ये है मैंने आपको कब बोला है मैंने कुछ आपको। हाँ आए मैडम मैडम हाँ आ जाओ भाई। सो आज की ये जो आपने जो पोयम सुनाई थी ना उसको इसकी परफॉर्मेंस आई हुई है इस वक्त ये तोते की परफॉर्मेंस है। हाँ शाब तालियां बजाना तोते के लिए वेरी गुड परफॉर्मेंस वेरी गुड शाबाश शाबाश वेरी वेल डन बहुत अच्छे। जरा एक तस्वीर दिखाऊं मैं आप लोगों को एक तस्वीर तो देखें जरा सब फिर मुझे जिसको आता हो ना वो हाथ खड़ा करे कि ये क्या है तस्वीर दिखाओ भाई वो वाले मतलब इसके। हाँ दिखाएं भाई एक पिक्चर आने वाली है और अब तो हाँ अच्छा एक तस्वीर हम देख रहे हैं सर ये तस्वीर है। ओके क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये तस्वीर किस जगह की। ऑप्शंस देता हूं मैं ऑप्शंस ये बताएं कि मस्जिदुल हराम या बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा मस्जिदुल हराम या बैतुल मक़दस ये बताएं हाथ खड़ा करें। हाँ भाई आप बताएं बैतुल मक़दस आपका क्या ख्याल है। बैतुल मक़दस अरे भाई अच्छा ना क्यों जज्बा। हाँ भाई स्टोरी सुनाऊं किसके बारे में स्टोरी मोटा पेटिया वेवेन आती है वेवेन क्या आती है वेवेन विनविन। हाँ विनविन सुनते हैं अभी ठीक है ओके भाई ये मस्जिद हराम है या बैतुल मक़दस ये देखिए नमाज हो रही है ये इसका मस्जिद इसका तो बड़ा आसान है मस्जिदुल हराम यानी खाना है काबा जहाँ पर है और वो ये है बैतुल मक़दस यहाँ मस्जिद मस्जिद अक्सा। ये तस्वीर आप ना अक्सर देखते होंगे टेलीविजन पे कभी अजान के दरमियान चल रही होती कभी कुछ इसकी मैं आपको एक बात बता दूँ ये सारे बच्चे याद कर लें भाई ये जगह जो है ना ये था मुसलमानों का पहला किबला यानी कि अभी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम किबला किस तरफ होता है खाना काबा की तरफ होता है ना खाना काबा से पहले जो किबला था वो यहाँ पर था ठीक है। तो अब आपको जब भी ये पिक्चर नजर आए तो आपको याद रखना है कि ये वो इलाका वो जगह है जहां पर मुसलमानों का पहला किबला था। ओके ये याद रहेगा सबको पक्की बात है जबरदस्त तालियां बजाते हैं इस बात पे। आ जाओ अपनी अपनी कुर्सियों में आ जाओ दोबारा। हाँ हाँ भाई हाँ इधर आ जाओ क्यों आ जाओ यहाँ आ जाओ ताकि है साफ कर लिया ना हमने हम तो ये हमारी हाँ ये देखो अभी भी गंदा है। एक तो मैं इनके प्रोटोकॉल से परेशान हूँ ना नीचे माइक रख सकते हैं ना नीचे बैठ सकते हैं पता है जब आप मुझे इस तरह बोलती है मेरा क्या दिल कहता है मैं क्या कहूँ मेरा दिल कहता है मैं कहूँ ओफ हाँ ऐसे कैसे कैसे हाँ
ये गुस्से में है या नाराज है या खुश है, क्या है, क्या कर रही है, क्या चाह रहे है? ये गुस्से में है। हाँ गुस्से में, क्यों गुस्से में ये? यार लोगों से डरता है। हम लोगों से? आपसे डरता है? नहीं। तो आप इसको बोलो गुस्सा नहीं करो प्लीज। वो देखो बड़े बाल हो गए। बड़े बाल, वाह वाह वाह, तालियां बजाते इसके लिए भाई, वाह वाह वाह। भाई ये बताओ कोई बच्चा स्टोरी सुना रहा है या कोई बड़ा स्टोरी सुना है, ये बताए भाई। आप सुनाए ना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ हरी, ताकि कैमरा इधर आ जाओ, सारे आप भी इधर आ जाओ। हाँ यार स्टोरी जो है बड़ा बड़ा, हम सब में सबसे बड़ा कौन है? पहलाज भाई ना, है ना? आप सबसे बड़े होते हो। अच्छा मैं सबसे, मेरे बाद सबसे बड़ा कौन है? ये कह रहा है ये मैं हूँ सबसे बड़ा, है ना? हाँ। ये तो नहीं बोल सकता, ये तो चीके मारता है। अच्छा बोल नहीं सकता, अच्छा ठीक है, सही है, ओके ठीक है। तो भाई आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ, बड़ी जबरदस्त सी। अरे भाई यार पहला ये माइक आप पकड़ो भाई, क्योंकि बाजी जो है ना मुझे माइक नीचे नहीं रखने दे रही है, वो कह रही है माइक नीचे रखना अलाव ही नहीं है, अलाव ही नहीं। ये स्टोरी है एक च्यूटी की और एक ग्रास हॉपर की। जरा आपको तस्वीर दिखाऊं मैं च्यूटी की और ग्रास हॉपर की। हाँ भाई पहलाद भाई, ये स्टोरी आपने सुनी भी है नहीं है? बताया भाई मैं बड़े को ढूंढ के एक स्टोरी लाया हूँ। ये देखिए, हाँ चले नीचे बैठ जाए, लेकिन सब फेस इस तरफ रखेंगे ठीक है, ताकि कैमरे में नजर आ सके। आ जाओ ईशा बच्चों, आप लोग यहाँ आ जाओ, पीछे आ जाओ। अब इसमें हाँ, अब इसके अंदर एक होता है च्यूटी छोटी सी, एक होता है ग्रास हॉपर ठीक है। हाँ ये ब्राउन, हाँ वही 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 वही। अब जो इसमें जो च्यूटी होती है ना, वो हर वक्त काम करती रहती है, काम करती रहती है। अच्छा सा बारिश होती है, अभी बारिश होने वाली है, और जब बारिश होती है तो क्या होता है? चांदी चांद जाती है। वो तो होता है, लेकिन बारिश होती है तो पानी भी आता है ना? हाँ जी। हाँ ये ऐसे जनरल बात है, सियासी बात ही कर रहे हैं। ये च्यूटी है और वो था ग्रास हॉपर। च्यूटी सुबह से लगी हुई है, काम कर रही है, काम कर रही है। ग्रास हॉपर, ये ग्रास हॉपर काम ही नहीं कर रहा, खेल रहा है, फन कर रहा है, गंदा बच्चा है अपने अम्मी अब्बू की। हाँ गंदा बच्चा, वो चूंटी थी नहीं, हेल्प करा रहा। हाँ आप खड़े हो जाओ जरा, ताकि आप नजर आओ। हाँ सजा में खड़ा नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, अब आप चूंटी छाई जाती तो चूंटी अपने घर कैसे जाती? हाँ फिर जो है ना, ये चूंटी ग्रास हॉपर को बोलती थी देखो हमको काम करना चाहिए। हाँ लेकिन ग्रास हॉपर बोलता है काम करने में क्या फायदा, हमको सिर्फ खेलना चाहिए, हर वक्त एंजॉय करना चाहिए, फन करना चाहिए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक मौसम तब्दील हुआ और बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई, बारिश की तेज 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 आवाज आना शुरू हुई। हमें आवाज आ रही है बारिश की? कोई अभी तक बारिश शुरू हुई नहीं है, होने वाली है। अचानक बादल कड़कना शुरू हुए, पहले हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, फिर बादल कड़क रहे, बारिश हो सकती है, लगता है इधर भी बारिश, बारिश बहुत तेज बारिश होने, इस तरह बारिश होना शुरू हो गई तेज 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 तेज। अब जब तेज तेज बारिश होना शुरू हुई, ग्रास हॉपर तो काम करता नहीं था, उसके पास तो अपना घर भी नहीं था, च्यूटी तो काम करती थी, उसने अपना पूरा घर बनाया हुआ था। अब जब बारिश हुई तो ग्रास हॉपर का घर क्या हुआ, सारा उसका घर तो था ही नहीं, छोटा सा घर था, सब कुछ उसका खत्म हो गया ग्रास हॉपर का। अब डर लग रहा है? अरे मैं बैठा हूँ, डरने की जरूरत ही नहीं, रैबिट रैबिट बेचारा। नहीं नहीं रैबिट की भी हम हिफाजत करेंगे, मसला ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। उसके बाद ये हुआ कि च्यूटी ने ग्रास हॉपर को हेल्प किया, च्यूटी ग्रास हॉपर को अपने घर पे लाई, वरना ग्रास हॉपर के पास तो उसने कुछ ना अपना खाना जमा किया था ना कुछ। बारिश आई तो उसके पास जो कुछ भी था सब खत्म हो गया, लेकिन च्यूटी ने अपना प्रॉपर घर बनाया हुआ था, इससे उसका घर बिल्कुल सही रहा। यस ऐसे था, ऐसे। इससे हमें क्या सबक मिलता है? ऐसे सबक ये मिलता है, सवाल, इससे हमको ये सबक मिलता है कि हमको च्यूटी की तरह जब काम का टाइम हो तब काम करना चाहिए और खेल का टाइम हो तब खेलना चाहिए, या हमको ग्रास हॉपर की तरह हर वक्त खेलते रहना चाहिए, कुछ काम ही नहीं करना चाहिए? अगर खेल का टाइम हो तो खेलना चाहिए, अगर काम करने का टाइम हो तो काम करना चाहिए। इज इट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। हां यस बिल्कुल सही बात है। तो हमको भी काम के टाइम काम और खेल के टाइम खेल। तालियां बजाते भाई। एक सरप्राइज बताऊं मैं आपको, हमारे साथ हाफिज साद आए हुए। हाफिज साद साहब जरा माइक तो लें। हरीम आपको पता है
हाफिज साहब कल कहाँ जा रहे हैं बताएं भाई, कहाँ जा रहे हैं? उमरे पे। उमरा करने जा रहे हैं कल, सब माशाल्लाह कहते हैं बात में भाई, माशाल्लाह। एक प्रॉमिस ले लें हाफिज साहब से कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप वसीम भाई को और हम सारे बच्चों को दुआ में याद रखेंगे जी, प्रॉमिस। यस जी, वाह वाह वाह। जब आप उमरे पे जाएंगे तो यानी आप किस किस उसमें जाएंगे, किस कंट्री में जाएंगे पहले तो बताएं, कौन सी कंट्री में जाएंगे? मक्का मदीना। वो तो शहर का नाम है, कंट्री सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, कौन कौन से सिटी में? मक्का और मदीना। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मक्के में है या मदीने में है? मदीने में। और खाना काबा कहाँ है? अल्लाह ताला अगर मक्के में या मदीने में? मक्के में। जबरदस्त। तो हाफिज साहब आप हमको याद रखेंगे दुआओं में जी, जबरदस्त। कोई कुछ नात या कुछ पढ़ना चाहेंगे आप? चूंकि कल आप उमरे पे जा रहे हैं तो आप कुछ पढ़ें। मैं इतनी देर में बच्चों के साथ जाता हूँ, डेटॉल से हाथ धोता हूँ, आप क्या सुनाएंगे हमें? सूरह अलग। जो पहली, जो कलम ने नहीं बताया था, गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई वो सूरह अलग थी, उसकी 5 आयात आप हमें सुनाएं। और बच्चे आए मेरे साथ ताकि हम धोएं डेटॉल से हाथ, और हाफिज साहब आप कैमरे की तरफ देख के पढ़े सूरह अलग। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो भाई मेरे साथ कौन आएगा? हरीम आप भी आ जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हाफिज साहब। बिस्मिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इकरा बिस्म रब्बिका लजी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लजी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, अर्राहु इस्तगना। माशा भाई सब सुभान अल्लाह कहते हैं हाफिज साहब के लिए। सूरह अलग, आप पूरी सूरह अलग याद है? क्या बात है, जबरदस्त माशाल्लाह। टाइम खत्म हो रहा है, हम ले रहे हैं एक सेल्फी, पोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑलराइट, खाली दामन को खुशियों से है भर दिया। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे, और मजीद मालूमात के लिए +92322733574 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।